तो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू गेट अदर ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज रिहान अहमद आज हम लोग यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वाली जो टॉपिक थी वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एसेंट्रिक कनेक्शंस को हम यहाँ पर किस वे डिजाइन कर सकते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पर और

उनसे मैं पूछ लूंगा क्या दिक्कत आ गई वहां पर और जो भी रिजोल्यूशन आएगा उसको मैं वहां पर करके दे दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम यहां पर बात करने वाले किस बात में दैट इज एसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक है एक बार प्लीज सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिएगा मैं आप लोग सभी लोग बता रहा हूँ गेट ट्वेंटी पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंट्रिक कनेक्शन से काफी बार क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में तो मैं यहाँ पर जो भी कंसेप्ट आप लोग बताऊंगा दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यर गेट ट्वेंटी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलिए एसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में बात करें एसेंट्रिक वोटेड कनेक्शन

एंड क्या रहा था? यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था ठीक है आज हम यहाँ पर इसी से थोड़ा सा हम आगे की तरफ क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रोसीड करने वाले तो मैंने बोला डायरेक्ट लोड भी आ रहा था हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन में और यहाँ पर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाया था डायग्राम में अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास कोई भी अगर मान लीजिए कॉलम का हमारे पास क्या है अगर आई सेक्शन है उसका अगर मैं फ्लैंज के बारे में बात करूँ तो फ्लैंज हमारे पास इस वह से देखने को मिल रहा है ठीक है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारे पास दिस इज द कोई भी एक हमारे पास क्या है प्लेट कनेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पर बात किया ठीक है ये हमारे पास क्या है दिस इज द प्लेट जिसको मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया वोल्टेड कनेक्शन कैसे दिख रहे है हमें वोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूं तो वोल्टेड कनेक्शन हमारे पास इस वैसे पास क्या दिस वॉज योर वोल्टेड कनेक्शन यहां पर जो लग रहा था यहां पर क्या लग रहा था हमारे पास लोड आपको यहां पर देखने को मिल रहा था ठीक है अगर मैं इस बोल्ट ग्रुप के टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर है टोटल हमारे पास यहाँ पर छह बोल्ट लगे हैं तो इनका जो हमारे पास ये जो बोल्ट ग्रुप है इसका सीजी कहां पर आ रहा है हमारे पास इसका सीजी आ रहा है हमारे पास सेंटर में ठीक है तो यहां पर एक बार छोटा सा मैं यहां पर एक बार रिवाइज करा दूंगा इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और वो जो क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो वहां से हमारे पास क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हमारे पास गेट एग्जाम में और भी हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्स में हमारे पास, हमारे पास वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास ये वाले जो फोर्स जो हमारे पास लोड जो लग रहा है अगर मैं इसको ट्रांसफर करवाया कहां पर हमारे पास बोल्ट के ग्रुप के सी में ट्रांसफर करवाया तो क्या हो रहा है यहाँ पर इसको मैंने लोड को उठा के यहाँ पर रखा साथ ही साथ क्या हो रहा है हमारे पास साथ ही साथ एक मोमेंट लग रहा है हमारे पास कितने का पी इंटू ई का ठीक है एसेंट्रिसिटी हमारे पास डिस्टेंस कहाँ से थी एसेंट्रिसिटी की हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो अगर आप देखोगे तो ये वाले डिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो ये क्या था हमारे पास दिस वॉज योर ये जो था हमारे पास दिस वॉज योर क्या ये हमारे पास था एसेंट्रिसिटी के हमारे पास डिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी प्लीज सभी लोग यहाँ पर सेशन को एक बार शेयर कर देना बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को यहां पर सारी चीजें समझ में आएगी तो मैंने बोला था हमारे पास कि जो बोल्टेड कनेक्शन है हमारे पास है ना बोल्टेड कनेक्शन कैसे जा रहे हैं हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास ये जो बोल्टेड कनेक्शन है पीछे हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये पीछे हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर ये बोल्ट हमारे पास लगा हुआ है अगर मैं मोमेंट यहां पर अगर लगा है तो हमारे पास बोल्ट टू क्या करने की कोशिश करें हमारे पास ये हमारे पास बोल्ट को ट्विस्ट करने की कोशिश करें ये हमारे पास बोल्ट व्या करनी जैसे हमारे पास आ, अगर मैं बात करूं कोई भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक होगी ठीक है आपके पास या की बाइक होगी आर होगी निंजा होगी या फिर मान लीजिए बेसिक अगर आप लूना या स्कूटी भी चला रहे हो तो अगर मैं बात करूँ उसके एक्सीटर के बारे में बात करूँ तो एक्सेलेटर में हम जनरली एक्सीटर में हम हमेशा कौन सा मोमेंट लगाते हैं बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं अब हमेशा याद रखिएगा जो एक्सीटर जो होता है हमारे पास अगर मान लीजिए मैं बाइक यहां पर रखा हूं एक्सिलेटर में हम हमेशा क्या करते हैं वहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट हम क्या करते हैं वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं सेम उसी वे से हमारे पास मोमेंट क्या हो रहा है हमारे पास इस में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और वो जो हमारे पास जो मोमेंट जो आ रहा है हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में यहां पर बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास अगर मैं इसके बारे में बात करूं दैट इज बोल्ट के बारे में बात करूं कोई भी अगर हमारे पास बोल्ट है कोई भी हमारे पास क्या है दैट इज अगर मैं यहाँ पर बोल्ट के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास बोल्ट है तो बोल्ट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है सबसे पहले आ रहा है हमारे 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 पास 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 दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट लोड लोड जो इंडिविजुअल बोल्ट में जो आ रहा है हमारे पास वो कितना होगा हमारे पास टोटल लोड कितना था हमारे पास पी और नंबर ऑफ बोल्ट कितने थे हमारे पास एन तो यहाँ पर एक बोल्ट के बारे में बात करूंगा है ना बोल्ट मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं दैट इज ईच बोल्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर ईच बोल्ट मैं यहां पर लिख सकता हूं ईच बोल्ट ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं हर एक बोल्ट में अगर आप यहां पर देखोगे तो टोटल पी जो आ रहा है हमारे पास ये वाले फोर्स के बारे में बात करूं जो टोटल पी जो आ रहा है हमारे पास कितने है? हमारे पास बोल्ट में एक्ट कर रहा है छह बोल्ट में एक्ट कर रहा है मैं बोल रहा हूं अगर मैं एक बोल्ट के बारे में बात किया तो हर एक बोल्ट में हर एक बोल्ट में हमारे पास कितना शेयर फोर्स आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट लोड के कारण हमारे पास जो शेयर फोर्स जो आएगा हमारे पास वो टोटल लोड डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो हमारे पास डायरेक्ट लोड हमारे पास अगर मैं बात करूं हमारे पास दैट इज ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू दैट इज हमारे पास डायरेक्ट लोड और उसको मैं क्या बोल सकता हूँ दैट इज शेयर फोर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है शेयर फोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर शेयर फोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये जो हमारे पास प्लेट थी ठीक है ये जो हमारे पास प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी <cakeadicoscope> मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो प्लेट आपको यहाँ पर जो देखने को मिली दिस इज वन टू थ्री बोल्ट एंड दिस इज फोर फाइव सिक्स बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं टोटल जो हमारे पास जो लोड आ रहा था वो यहाँ पर, पर आ रहा था हमारे पास कहां से पास हो रहा था हमारे पास वो पास हो रहा था हमारे पास सीजी से सीजी जी कहां पर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सीजी जी कहाँ पर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो इंडिविजुअल हमारे पास जो बोल्ट जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास पी बाय एन यहाँ पर भी शेयर फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास पी बाय एन का यहां पर भी हमारे पास शेयर फोर्स कितना आ रहा है पी बायन सिमिलरली यहां के भी हमारे पास जो बोल्ड्स हैं सब में हमारे पास शेयर फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास पी बायन पी बायन और पी बायन का आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कब जब हमारे पास सारे के सारे बोल्ड जो लगे हैं सारे के सारे हमारे पास जो बोल्ड्स जो लगे हैं सभी का अगर एरिया सेम होगा तभी यहां पर क्या होगा हमारे पास इक्वली क्या होगा हमारे पास शेयर फोर्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा

तो वो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण भी क्या होगा हमारे पास हर एक बोल्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर होगा इसको मैं रिप्रेजेंट करूं किससे हमारे पास एफ से

अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास जो टॉर्शनल जो फोर्स होगी हमारे पास जो हमारे पास टॉर्शनल फोर्स जो होगी हमारे पास इंडिविजुअल कोई भी हमारे पास बोल्ट में इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास दैट इज पी इन आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर आई का स्क्वायर समेशन ऑफ कितना था हमारे पास दैट इज आर आई का स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिला था ठीक है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था किस बारे में ये हमने यहाँ पर बात किया था दैट इज हमारे पास टॉर्शनल जो शेयर फोर्स आ रही है ठीक है यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो शेयर फोर्स आ रही है वो शेयर फोर्स का हमारे पास फॉर्मुला क्या था उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया अब अगर मैं यहां पर बात करूं हमारे पास तो यहां पर अगर आप देखोगे इंडिविजुअल अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये हमारे पास क्या था हर एक फोर्स जो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स आ रही है हमारे पास

कितना हमारे पास फोर्स यहां पर डेवलप होगा उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है देखो ये क्या हमारे पास दिस इज जी ये क्या क्या रहा है हमारे हमारे पास पास दिस दिस इज इज ये सी जी आपको यहाँ पर देखने को मिला ठीक है मैं बोल रहा हूँ ये आ रहा है हमारे पास दिस इज दीजी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर आप सभी लोग समझिएगा कि इंडिविजुअल में यहां पर हर एक बोल्ट का अगर मैं यहां पर इंडिविजुअल हर एक बोल्ट के बारे में बात कर रहा करूं तो ये जो डिस्टेंस जो आ रही है हमारे पास इंडिविजुअल हमारे पास हर एक बोल्ट में ये जो डिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है हर एक बोल्ट में ये जो डिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रही है ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास ये सारी डिस्टेंस जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया ये सारी डिस्टेंस यहां पर रिप्रेजेंट करिए किसको ये सारी डिस्टेंस यहां पर रिप्रेजेंट करिए दैट इज आर को ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहां पर नेमिंग कर रहा हूं मैंने यहां पर नेमिंग किया क्या मैंने यहां पर नेमिंग किया दिस बोल्ट का नाम है हमारे पास वन दिस बोल्ट है टू दिस इज थ्री जेंट कर रहे हैं हमारे पास आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास कि सी जी से है ना ये सी जी से हमारे पास ये जो हमारे पास आर वन की जो डिस्टेंस होगी सी जी से हमारे पास ये जो आर वन जो है ये क्या बता रहे बोल्ट ग्रुप का सी जी है ना हमारे पास बोल्ट ग्रुप का सी जी जो है वहां से लेकर हमारे पास इंडिविजुअल हमारे पास जो बोल्ट जो है इंडिविजुअल बोल्ट जो है हमारे पास उसके सीजी तक की डिस्टेंस पूरे बोल्ट ग्रुप का जो सीजी आ रहा है वहां से लेकर इंडिविजुअल बोल्ट का हमारे पास जो सीजी है वहां तक के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वन से सिमिलरली ये क्या है हमारे पास दिस इज आर ये क्या हमारे पास दिस इज आर थ्री दिस इज आर दिस इज आर And this is R6. तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर एफ टी आई अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो e आप तो आप e पर R हम यहां पर कैसे निकालना चाह रहे हैं R क्या हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ड का गिवन होगा तो नहीं गिवन होगा भाई ठीक है हर एक चीज नहीं दे, दे देंगे यहां पर ठीक है तो यहाँ पर क्या देख रखेगा हमारे पास यहाँ पर देख रखेगा कि हमारे पास ये जो बोल्ड ग्रुप है ये जो हमारे पास बोल्ड ग्रुप है

और ये क्या हमारे पास दिस इज द पिच मैं let's suppose mm यहाँ पर बोल रहा हूँ लेट सपोज ये हमारे पास गिवन है दैट इज पर आपके पास देख रखा है ठीक है थर्टी एम एम नहीं बोलता मैं इसको। uh, let's suppose मैं इसको सपोज पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास सी जी तक की डिस्टेंस हमें यहाँ पर देख रखा है ये वाली हमें यहाँ पर सी जी तक की डिस्टेंस दे के रखा है दिस इज थर्टी एम एम दिस इज ऑल्सो थर्टी एम एम तो मुझे यहाँ पर अगर आर की वैल्यू निकालनी होगी अगर मुझे यहाँ पर आर वन की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या कोई मुझे बता सकते हैं यहां पर आर वन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर एनिमल टेलमी यहाँ पर आर वन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए मैंने यहाँ पर क्या बताया मैंने यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास डायमेंशन जो है वो हमारे पास गिवन है कहाँ तक के हमारे पास सी से हमारे पास सी से हमारे पास जो लेफ्ट वाले जो बोल्ट है वहां तक का हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास गिवन है ठीक है तो कोई मुझे बता सकता है आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास कैन एनिमन टेलमी वट इज द वैल्यू ऑफ आर वन वट इज द वैल्यू ऑफ आर वन कोई भी बता सकता है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जल्दी से यहां पर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमारे पास आर वन की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी आर वन की वैल्यू यहां पर आपको कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग, सभी लोग लोग यहां पर मुझे कमेंट करके बताने वाले ना कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो यहां पर मुझे इसका आंसर नहीं देगा ठीक है इतना ज्यादा डिटेल में यहां पर कोई भी नहीं बताएगा मेरे को यहां पर बताएगा आर की वैल्यू हम यहां पर किस वे से निकालने वाले आर की वैल्यू हम यहां पर किस वे से निकालेंगे कोई भी बता सकते है कि आर, आर वन की वैल्यू हम यहां पर किस से निकालेंगे? हमारे पास क्या है बोल्ट वन है ठीक है और किसी का आंसर आएगा नहीं आया किसी का भी चलो ये हमारे पास क्या है बोल्ट ग्रुप का सी जी है ये हमारे पास क्या है सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप और यहां पर क्या लग रहा है हमारे पास यहां पर अगर आगर आगर आप देखोगे तो हमारे पास एक बोल्ट है कौन सा बोल्ट है हमारे पास वन ये दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास इसको मैं रिप्रेजेंट करूं किससे आर वन से, से. ठीक है इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं हमारे पास आर वन से वेरी गुड विजिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा एकदम परफेक्ट है ना आंसर ये हमारे पास है आर वन अगर मैं बोल रहा हूं हमारे पास जो सी जी से हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जो आ रही होगी ठीक है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये वाली अगर मैं इसको एक ट्राइंगल से अगर मैं पर इसको रिप्रेजेंट कर दू तो मैं बोल रहा हूं हमारे पास जो वर्टिकल जो डिस्टेंस आ रही है वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ रही है और जो कितनी देख रखा है वो रखा है हमारे पास दैट इज थर्टी एम वो वो रखा है हमारे पास दैट इज थर्टीम तो सभी लोग यहां से मुझे आर की वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है सभी लोग यहां से मुझे आर वन की वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है R1 की वैल्यू कितनी आ रही है सभी लोग लाइक कर दो यार सेशन को है ना सेशन को यहां पर सभी लोग लाइक कर देंगे सचिन चेक करना है यहां पर की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे है ना सतीश परफेक्ट तो आर वन की वैल्यू अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं तो आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फोर्टी का स्क्वायर प्लस प्लस थर्टी का स्क्वायर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास दिस विल इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी हमारे पास फिफ्टी एम mm हो जाएगी सभी लोग बताइएगा आर वन की वैल्यू कितनी आ रही है वैल्यू, mm. वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर देखने को मिली आर वन की वैल्यू आ रही है आप यहां पर लिख सकते हैं आर क्या है हमारे पास आर के बारे में बात करो तो ये क्या हमारे पास इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप टू द इंडिविजुअल बोल्ट ठीक है हमारे पास बोल्ट ग्रुप का जो सी जी है वहां से लेकर हमारे पास इंडिविजुअल जो बोल्ट है हमारे पास उसके सी जी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे हम यहां पर रिप्रेजेंट करें दैट इज आर से क्या करेंगे हम यहां पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज आर से क्या करने वाला हूं मैं वहां पर उसको रिप्रेजेंट करने वाला रहूंगा सभी लोग क्लियर है यहां तक सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं है अगर समझ में आया तो प्लीज आप सभी लोग यहां पर मुझे इमोजी के थ्रू यहां पर बता सकते हैं सभी लोग यहां पर मुझे इमोजी के थ्रू बता सकते हैं यहां पर दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आई कि नहीं आई यहां पर आप लोगों को दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आई कि नहीं आई सभी लोग यहां पर कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे स्टूडेंट यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हमारे पास ये जो हमारे पास बोल्ड ग्रुप जो था ठीक है यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूं ये जो हमारे पास बोल्ड ग्रुप आपको यहां पर जो देखने को मिला ठीक है इसको तो मैं हटा दे रहा हूं ठीक है ये हमारे पास प्लेट के अंदर नहीं बनाना चाहिए इसको बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसके डायरेक्शंस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे ठीक है इसके हम यहां पर बात करेंगे किस बारे में इसके डायरेक्शंस के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले रहेंगे तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास ये क्या है हमारे पास दिस इज द प्लेट और ये क्या आ रहा था हमारे पास दिस इज द बोल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे दिस इज द बोल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे ठीक है तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ हमारे पास ये सी अब मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे पास कि हमारे पास जो तो एफ टी हमने यहाँ पर जो तो निकाला है हमारे पास फॉर्मूला क्या था एफ टी टॉर्जिनल हमारे पास शेयर फोर्स की अगर बात करो फॉर्मूला क्या था हमारे पास दैट इज पी इन टू ई इंटू हमारे पास आर आई डिवाइडेड बाय स्क्वायर इसके बारे में हम यहाँ पर बात करे थे ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास टॉर्शनल हमारे पास जो शेयर फोर्स जो आ रहा है ये क्या था हमारे तो पास दिस वॉज द फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिला ठीक है अब मैं यहाँ पर उसके डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो आ रहा है हमारे पास अगर मैं बात करूँ ये क्या था हमारे पास दिस वॉज द ये क्या था हमारे पास दिस वॉज आर वन तो हमारे पास जो डायरेक्शन जो होगा हमारे पास ये वाली शेयर फोर्स का ये वाली शेयर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारे पास इस वे से ये आ रहा है हमारे पास दिस विल बीस टू एफ टी वन ठीक है मतलब एफ टी वन क्या होगा हमारे पास कि जो भी हमारे पास सी से हमारे पास हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट तक का जो हमारे पास एंगल जो बन रहा है हमारे पास उससे परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास टॉर्शनल हमारे, हमारे पास शेयर फोर्स क्या करेगा हमारे पास एक्ट करेगा सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं हमारे पास सेकंड वाला ये तो यहां से अगर मैं ये क्या आ रहा है हमारे पास दिस इज आर टू तो हमारे पास जो टॉर्चनल जो शेयर फोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इसके परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही दैट इज के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये क्या आ रहा है दिस इज आर थ्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास अब इसका परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ देखो फोर्स कैसे लग रही थी हमारे पास फोर्स लग रही थी हमारे पास डाउनवर्ड साइड ठीक है तो हमारे पास

कैसे मूव करना पड़ेगा मुझे क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा क्लॉक वाइज ही मूव करवाना है मुझे क्योंकि एक्चुअल जो लोड जो हमारे पास लग रही है एक्चुअल जो हमारे पास लोड जो लग रही है वो कैसा मूवमेंट बना रही है हमारे पास वो बना रही है हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो इसलिए मैंने यहां पर ड्रॉप करवाया क्योंकि हमारे पास सी तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज जाएगा अगर मैं परपेंडिकुलर ऊपर साइड बनाता तो ये हमारे पास सी तक पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बनाता बट एक्चुअल में फोर्स कैसे बना रहा है हमारे पास क्लॉकवाइज बना रहे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर थर्ड वाले बोल्ट के बारे में बात करूँ तो यहां पर हमारे पास इसका जो डायरेक्शन जो रहेगा इससे परपेंडिकुलर लेकिन कहां पर लेफ्ट साइड में क्यों क्योंकि हमारे पास सी तक पहुंचने के लिए ये क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला फोर्स यहां पर बना रहा है इसी वे से क्या करना है हमें यहां पर इसी वे से हमें यहां पर इंडिविजुअल हर एक बोल्ट का अगर मैं डायरेक्शन अगर मैं यहां पर बात करूं तो हर एक बोल्ट में हमारे पास जो टॉर्शनल शेयर फोर्स यहां पर जो मैंने डिस्कस किया वो हमारे पास कैसा रहेगा हमारे पास वो रहेगा कैसा दैट इज आपको देखने को मिलेगा हमारे पास इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल डिस्टेंस है ना कौन सा हमारे पास बोल्ट और बोल्ट ग्रुप के सीजी के बीच का उससे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये कैसा होना चाहिए हमारे पास उसी मोमेंट लगना चाहिए हमारे पास जो हमारे पास आपके पास जो जो मेन हमारे पास डायरेक्ट लोड हमारे पास जिस वे से मोमेंट लगा रहा है सेम उसी वे से हमारे 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 पास 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 मोमेंट क्या होना चाहिए ये वाला इंडिविजुअल बोल्ट का जो शेयर फोर्स है वो भी हमारे पास सेम वे से क्या करना चाहिए हमारे पास लगना चाहिए तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया यहां तक सभी लोग को क्लियर है क्या प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक आप सभी लोग को क्लियर है क्या यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है क्या? सभी लोग यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग यहां तक मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई हाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया और एक बार सभी लोग यहां पर सेशन को शेयर कर देंगे यार है ना सभी लोग यहां पर सेशन को एक बार शेयर कर देंगे ठीक है तो हमने यहां पर डिस्कस किया कि हमारे पास जब भी हमारे पास हमने यहां पर अभी तक बात किया कि हमारे पास जब भी हमारे पास डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हमारे पास बोल्ट में सब्जेक्ट हो रहा है तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं पहला आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट लोड लोड दूसरा आ रहा है हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट इंडिविजुअल बोल्ट पे पे डायरेक्ट लोड हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट क्या बना रहे हमारे पास शेयर फोर्स डेवलप कर रहे हैं हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट जो है हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट पे क्या कर रहा है हमारे पास टॉर्चनल शेयर फोर्स क्या कर रहा है वहां पर वो डेवलप करवा रहा है ठीक है ठीक है आपके पास

इस वे से हमने क्या किया यहां पर हमने दोनों हमने यहां पर बात की किस बारे में दैट इज कि हमारे पास डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट का इफेक्ट हमें यहां पर किस वजह से देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहां पर यहां पर तीन स्टार मार देना कितने स्टार मारना एक दो और तीन स्टार टॉपिक क्या है हमारे पास टॉपिक है हमारे पास दैट इज मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बात करेंगे मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में हम यहां पर बात करने वाले

एंड उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया हमारे पास क्या है दिस इज द हमारे पास छ नंबर ऑफ बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये छः में से हमारे पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल बोल्ट यहां पर कौन सा होगा सबसे ज्यादा क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि यहां पर हमारे पास ऐसा कौन सा बोल्ट है जो हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स क्या कर रहा है हमारे पास वहां पर उसमें डेवलप हो रही है ठीक है ऐसा कौन सा बोल्ट है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम फोर्स क्या हो रही है हमारे पास डेवलप हो रही है जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बोल रहा था कि हमारे पास जब भी मैं यहां पर बात किया डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में जब मैंने यहां पर बात किया डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में जब मैंने यहां पर बात किया सभी लोग यहां पर समझिएगा सभी लोग यहां पर समझेंगे ठीक है सभी लोग यहां पर समझेंगे डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में बात किया तो मैंने बोला इसके हमारे पास दो कॉम्पोनेंट आ रहे थे भाई ठीक है कितने कॉम्पोनेट आ रहे थे हमारे पास दो कॉम्पोनेट आ रहे थे पैरा आ रहा था हमारे पास दैट इज एफ मतलब हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट में हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट में हमारे पास कितना शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है वैल्यू कितनी थी हमारे पास दैट इज पी अपॉन एंड Second, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास शेयर फोर्स हमारे पास आ रहा था, था इसकी वैल्यू कितनी थी आपको यहाँ पर देखने को मिला तो ये क्या आ रहा है हमारे पास दो टाइप के हमारे पास फोर्स क्या हो रहे हैं हमारे पास हर एक बोल्ट क्या कर रहा है हमारे पास एक्सर्ट एक कर रहे अब मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वो वाला बोल्ट है जो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स क्या कर रहा है हमारे पास कर रहा है मैक्सिमम फोर्स मतलब कौन सा क्या वो ये वाला फोर्स के बारे में बात करें कि ये वाले फोर्स के बारे में बात करें नहीं दोनों के बारे में नहीं दोनों का रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करें रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मतलब यहां पर हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में अगर मैं यहां पर बात किया रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात किया तो आप लोग सभी लोग मैथ्स वैथ्स में पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे कि अगर दो फोर्सेज अगर हमारे पास है उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू एफ डी आई इंटू एफ टी आई इंटू थीटा Into कितना होता है हमारे That is उसका है वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ये वाला फॉर्मुला सभी को जाना पहचाना लग रहा है कि एकदम ज्यादा न्यू लग रहा है कमेंट करके बताएंगे सभी लोग ऐसे टाइप का फॉर्मूला आप लोग पहले देखेंगे जब भी हमारे पास दो फोर्सेस गिवन होती है तो हम यहाँ पर इस वे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं हाँ यहाँ सभी लोग बताइए सभी लोग यहां पर हा या ना सभी लोग बताएंगे ये वाले फॉर्मुले से सभी लोग वाकिफ है कि नहीं है अगर मेरे पास यहाँ पर F1 और F2 हमारे पास दो फोर्सेस अगर हमारे पास एग्जर्ट करिए तो एफ आर की वैल्यू कितनी होती है रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्टेंट जो फोर्स होता है ये कितना होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस्थीटा प्लस टू एफ वन एस टू कॉस्थीटा ऐसे टाइप के हम यहाँ पर निकालते थे फॉर्मूले से सभी को ये वाला फॉर्मुला पता है कि नहीं पता है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बहुत बढ़िया है ना सभी लोग से सभी लोग वाकिफ है तो इसमें कोई भी चीज हमारे पास नहीं, नहीं है लेकिन एक चीज नहीं है एक चीज नहीं है भाई वो क्या है हमारे पास कि पर कुछ एंगल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर हमारे पास कॉज थीटा मतलब कोई थीटा के बारे में यहाँ पर आपके पास डिस्कस कर रहा है तो अगर मैं यहाँ पर थीटा के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर सभी लोग समझेंगे आप यहाँ पर थीटा के बारे में अगर आप यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो थीटा बेसिकली है क्या वो थीटा हमारे पास क्या है दोनों फोर्स के बीच का एंगल है ना यही तो होगा और क्या हो सकता है इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या नहीं इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता अगर दोनों फोर्स के बीच में बात कर रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं दैट इज नोन एज हमारे पास थीटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या लगा है हमारे पास ये लगा है हमारे पास एक बोल्ट ये 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 हमारे पास एक प्लेट है ठीक है और यहाँ पर क्या लगा हमारे पास यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं मैंने बोला था हमारे पास कि ये वाला जो फोर्स है ये क्या हमारे पास दिस इज एफ डी ये भी जो फोर्स है दिस इज ये सारे हमारे पास क्या दिस इज द डायरेक्ट फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दिस इज द डायरेक्ट फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्विस्टिंग हमारे पास मोमेंट के कारण जो शेयर फोर्स आ रहा था उसका एंगल मैंने बताया था दिस वॉज योर एफ टी वन ठीक है इसके बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी एफ टी हमारे पास यहीं पर ही आ गया था यहीं पर ही हमारे पास एफ टी आपको देखने को मिला था और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एफ टी की वैल्यू आई थी हमारे पास इधर एफ टी की वैल्यू आई थी हमारे पास इस साइड ठीक है मैंने आप सभी लोग को बताया था एंगल हम कैसे निकालते हैं यहां पर टॉर्शनल हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट का ठीक है तो यहां पर मैं बोल रहा हूं दोनों के बीच का जो एंगल होगा ठीक है दोनों के बीच का जो एंगल होगा मतलब कौन सा एंगल ये वाला जो एंगल जो आ रहा है हमारे पास ये क्या आ रहा है हमारे पास दिस इज थीटा बन ठीक है यहां पर मैं बोलूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास जीरो यहाँ पर अगर, अगर मैं बात करूं तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास दैट इज थ्री ठीक है इसके बारे में बात करूंगा तो यहां पर भी आप लोग निकाल लीजिएगा कि आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूं देखो सीजी आपके पास फिर से समझा रहा हूं ये वाला जो है यहां से सीजी है ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास दिस इज आर फोर अब यहां से अगर मैं

आप यहां पर से क्या कर लोगे? थीटा आप यहां से फाइंड आउट लोगे। सभी लोग इसको यहां पर चाहो तो नोट डाउन कर सकते है ना सभी लोग यहां तक चाहेंगे तो आप लोग सभी लोग यहां पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। डन यहां तक तो मैं क्या बोल रहा हूं हमारे पास कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वो वाला होगा जिसका हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है हमारे पास मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर अगर, अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वो वाले बोल्ट की बात करूँ जिसमें हमारे पास दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है मैक्मम या फिर रिजल्टेंट हमारे पास जो फोर्स जो आ रहा है वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास जिस बोल्ट में एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी दैट इज नोन एज हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट तो हमारे पास एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा कब आ सकती है जब हमारे पास एफ डी क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम होगा तो वो तो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको तो आप छोड़ दो जब हमारे पास एफ टी क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम होगा अब एफ टी मैक्सीम कब हो सकता है एफ टी हमारे पास मैक्सिमम कब हो सकता है देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ टी के बारे में बात करूँ तो हमारे पास जब ये आर से क्या होगा हमारे पास ये सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा करूँ अगर आर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी ठीक है जिसमें भी हमारे पास आर की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा हमारे पास दैट विल बी नोन एज हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर हमारे पास कॉस् थीटा से भी क्या कर रहा है हमारे पास ये <coughs> रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास कॉस् थीटा पे भी क्या कर रहा है हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है ठीक है तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे पास कॉस् थीटा की वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो है तो कॉस्ट जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास

मैंने बोला मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट हमारे पास वो वाला बोल्ट है जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कम आ रही है और जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास सबसे ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिल रही है दैट 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 इज 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 नोन 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 एज 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 हमारे हमारे पास हमारे पास मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल क्रिटिकल बोल्ट बोल्ट उसके बारे में हमने यहां पर बात की ठीक है उसके बारे में हमने यहां पर बात की अब पहचानेंगे कैसे तो पहचानने के लिए आप यहां पर देखोगे सर दो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हो सकता है हमारे पास जैसे फर्स्ट वाले बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आर तो यहां पर बहुत ज्यादा है लेकिन सेकेंड वाले बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू यहां पर कम आएगी क्योंकि दोनों यहां पर क्या होंगे हमारे पास एफ और एफ दोनों यहां पर डाउनवर्ड एक्ट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो एक में हमारे पास आर ज्यादा है थीटा भी ज्यादा है एक में हमारे पास आर कम है तो वहां पर सॉरी आर कम है तो वहां पर आपके पास थीटा भी आपको वहां पर कम देखने को मिल रहा है तो ये वाली कंडीशन को चेक करना थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा

तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर दो पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेगा मोस्ट क्रिटिकल बोल्ड के बारे में जब भी आपके पास पूछा जाएगा तो आप हमेशा दो पॉइंट आप यहां पर याद रखिएगा टॉपिक डालना दैट इज रेहान सरस टिप ठीक है आप यहां पर टॉपिक डाल लीजिएगा दैट इज रेहान सरस टिप अब वो रेहान सर क्या बोल रहे हैं हमारे पास सर यहां पर बोले हैं ठीक है ठेके? सर यहां पर बोले हैं तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सर ने यहाँ पर क्या बोला है सर ने यहां पर बोला है कि हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट को अगर आपको यहां पर जानना है तो दो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है पहला पहला आप यहां पर देखेगा कि हमारे पास जिसका आर सबसे ज्यादा है जिसका आर हमारे पास सबसे ज्यादा है वो हमारे पास क्वालिफाई हो जाएगा किसके लिए हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के लिए सेकेंड में बोल रहा हूं हमारे पास जो हमारे पास दैट बोल्ट दैट बोल्ट विच इज या फिर स्टेटमेंट नहीं लिखा था याद नहीं रहेगा मैं बोल रहा हूं हमारे पास वो वाला बोल्ट विच इज क्लोजेस्ट टू लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी लाइन ऑफ ऑफ एक्शन द फोर्स जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या लगा यहां पर हमारे पास हमारे पास फोर्स लगा हुआ था ठीक है मैं बोल रहा हूं हमारे पास वो वाला बोल्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हमारे पास फोर्स

इससे हमारे पास पास सबसे पास सबसे क्लोजेस्ट कौन कौन से बोल्ट है हमारे पास वन टू और 3 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स से सबसे क्लोजेस्ट कौन से बोल्ट हमारे पास वन टू और थ्री बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिले ठीक है तो पहला हमारे पास क्लोजेस्ट टू द लाइन ऑफ एक्शन में कौन कौन से बोल्ट आ गए हमारे पास है हमारे पास दैट इज वन टू थ्री मतलब ये वाले बोल्ट नहीं हो सकते ये वाले बोल्ट हमारे पास नहीं हो सकते या तो वन टू थ्री इन्हीं में से हमारे पास क्या है मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट है सेकेंड हमारे पास क्राइटेरिया क्या था हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया जिसका हमारे पास रेडियल डिस्टेंस हमारे पास सबसे ज्यादा है तो आप यहां पर देखोगे टू हमारे पास पास में है लेकिन वन और थ्री हमारे पास दूर में टू हमारे पास पास में है लेकिन वन और थ्री हमारे पास आर की वैल्यू ज्यादा है वन और थ्री की तो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बात करूंगा अगर मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में अगर मैंने यहां पर बात किया

सभी को ये वाली टॉपिक समझ में आई मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वाली कमेंट करके बताएंगे यहां पर सभी लोग सारे स्टूडेंट यहां पर कमेंट करके बताएंगे सभी को यहां पर मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वाली जो टॉपिक है आप सभी लोग को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया प्लीज कमेंट करके बताइएगा प्लीज सभी लोग यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लियर है यहां तक एक क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे एक क्वेश्चन दूंगा तो सभी लोग बना लेंगे चलो बढ़िया चलो एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं एक क्वेश्चन हम यहां पर देंगे ठीक है तो मैं यहां पर क्वेश्चन बोल रहा हूं क्वेश्चन मैंने यहां पर बोला फाइंड फाइंड द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट फाइंड द मोस्ट क्रिटिकल क्रिटिकल बोल्ट मैं यहां पर बोल रहा हूं फाइंड द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में मैंने यहां पर बात की है ना तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास एक आई सेक्शन है ठीक है ये हमारे पास क्या है दिस इज एन आई सेक्शन इसका बॉटम फ्लैंज मैंने यहां पर बनाया है और मैं बोल रहा हूं यहां पर मैंने एक प्लेट क्या किया मैंने यहां पर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर एक प्लेट सेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा ठीक है ये क्या तो है हमारे पास दिस इज द प्लेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया मैं बोल रहा हूँ हमारे पास ये पहला बोल्ट है दिस इज द सेकेंड बोल्ट दिस इज द थर्ड बोल्ट ये आ रहा है नेमिंग मैं फिर से बोल दे रौ रौ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये पहला है दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड ये हमारे पास फोर्थ दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स ठीक है ये मैंने यहाँ पर बोल्ट की मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दी अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर दूसरा कलर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ठीक है चलो मैं यहां पर बोल रहा हूं दिस इज द फर्स्ट वन ये हमारे पास है सेकेंड दिस इज द थर्ड ये हमारे पास है फोर्थ दिस दिस इज इज द द फिफ्थ एंड आपको यहां पर देखने को मिला ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां यहां पर पर आपके पास मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये जो है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हमारे पास जो फोर्स जो आ रहा है वो हमारे पास इधर से पास हो रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास इस वैसे किसी एंगल से क्या हो रहा है हमारे पास ये पास हो रहा है किसी एंगल से हमारे पास ये पास हो रहा है मैं बोल रहा हूं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से आप सभी लोग यहां पर मुझे बताएंगे विच इज द दिच इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट ठीक है में से आप यहां पर बताएंगे कि हमारे पास इसमें से मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आपको यहां पर कौन सा देखने को मिलेगा आपको यहां पर कौन सा आपको यहां पर मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा हमारे पास क्रिटिकल बोल्ट हमारे पास कौन सा आपको यहां पर देखने को मिलेगा टोटल हमारे पास छह बोल्ट यहां पर लगे हुए हैं सभी लोग यहां पर क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट को आप लोग यहां पर यूज करेंगे और मुझे बताएंगे कि हमारे पास सबसे क्रिटिकल बोल्ट हमारे पास कौन सा देखने को मिलेगा ठीक है प्रांशु ने यहां पर एक अपना आंसर दिया देखेंगे वो करेक्ट है कि गलत है बाकी लोग भी बताएंगे यहां पर बाकी लोग भी सभी लोग यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे सेशन लाइक नहीं कर रहे हो जितने लोग भी आए हो आप लोग सेशन को लाइक करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा आ रहे हैं यहां पर मोस्ट क्रिटिकल बोल्ड सभी लोग सभी लोग यहां पर देख के बताएंगे विजय का आंसर आ रहा है वन और थ्री ठीक है चेक करते हैं यहां पर प्रांशु बोल रहे सर थ्री ओके okay. सुनील का आ रहा है और ठीक है चेक करेंगे यहां पर ठीक है मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहां पर वन और थ्री देखो मैंने यहां पर टिप क्या बताया था मैंने कि हाउ टू तो आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई मैंने यहां पर आप लोग को मैंने यहां पर क्या बताया था मैंने अपनी टिप क्या दिया था मैंने यहां पर आप लोग को एक टिप यहां पर मैंने दिया था है ना इस वजह से मैं बल्ब बना दे रहा हूं ठीक है टिप टिप क्या था हमारे पास? टिप था हमारे हमारे पास पास ये मैंने बोला था हमारे पास जो जिसकी हमारे पास बोल्ट की आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी है ना मतलब जो हमारे पास सी से सबसे ज्यादा दूर देखो आर की वैल्यू ज्यादा मतलब टॉर्शनल हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास ज्यादा दूसरा मैं बोला था हमारे पास

सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट बोल्ट इस पी से कौन सा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ये जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है मैं बोल रहा हूं ये छे बोल्ट में से हमारे पास इस लाइन के सबसे ज्यादा नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा बोल्ट है इस लाइन के हमारे पास सबसे ज्यादा नजदीक हमारे पास कौन सा बोल्ट है कौन सा बोल्ट आ रहा है हमारे पास? Very good. इस लाइन के हमारे पास सबसे ज्यादा नजदीक अगर मैं आप पर बात की ठीक तो है बाकी हमारे पास ये आ रहा है सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा हमारे पास सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हमारे पास दैट इज बोल्ट नंबर थ्री सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हमारे पास दैट इज बोल्ट नंबर थ्री देखो और यहां पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास आर की अगर मैं यहां पर डिस्टेंस आर के बारे में बात करूँ तो देखो सी से हमारे पास फारदेस्ट कौन कौन सा है एक फोर है एक सिक्स है एक थ्री है और एक कौन सा हमारे पास वन है ना ये हमारे पास ये चार बोल्ट हमारे पास सी से सबसे ज्यादा दूर है तो यहाँ पर थ्री जो है थ्री वाला जो बोल्ट है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा दूर भी है मतलब आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये हमारे पास पी से हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बोल्ट नंबर थ्री इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट बोल्ट नंबर थ्री इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा बोल्ट नंबर थ्री के बारे में बात कर रहा हूं तो ये जो होगा हमारे पास दिस विल बी द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्लियर सभी को सभी को समझ में आ गया यहां तक Most critical bolt के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन सा है? है है? सभी को यहां तक? चलो बढ़िया. ठीक आप सभी लोग लो के पास स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है एंड हमारे जो पेड बैच जो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास थोड़े टाइम में हम लोग यहाँ पर द बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हमारे पेड़ के स्टूडेंट के लिए

तो यहां पर हमारे पास जो कोर्स जो है आज रात के ग्यारह बजे तक अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास देखने को मिल रहा है तो यार वेट मत करेगा ओनली यू हैव लाइक ठीक है इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग ठीक है छह महीने में आपको टेस्ट सीरीज भी देना है रिविजन भी करना है सब चीज करनी है छह महीने में अगर आप लोग सही में कुछ यहां पर अचीव करना चाहते हो तो यहां पर कोर्स को परचेस कर लो बहुत कुछ आने वाली यहां पर प्रैक्टिस यहां पर पूरा यहाँ पर सीरीज स्टार्ट होने वाला है हमारे पास पेड में ठीक है एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज आप को अकेले नहीं करनी है मैं आप रिविजन के साथ रहूंगा उसमें ठीक है रिवीजन के बारे में बात करूंगा तो रिवीजन भी मैं करवाऊंगा ठीक है एंड अभी यहां पर अगर मैं बात करूं स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है ठीक है मैं यहां पर बात करूँ तो स्टील स्ट्रक्चर्स आप लोग का यहां पर कुछ दो या तीन दिन में आप लोग का यहां पर स्टार्ट होने वाला है तो स्टील स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पेड में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम लोग जियोटेक भी पढ़ने वाले रहेंगे पेड़ में ठीक है तो Y501 मेरा कोड है इसको आप लोग यूज कर लेना और यहाँ पर पेड में मैं आप सभी लोग का वेट कर रहा हूं तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर वेट मत करेगा फर्स्ट अगस्त ऑलरेडी हो चुकी है आर स्टूडेंट जो जनवरी से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग के साथ दे आर ऑब्वियसली काफी आगे हैं तो मैं इतना आप लोग को बता रहा हूँ कि छह महीने आप लोग के पास बहुत ज्यादा कम नहीं है अभी भी हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप लोग को यहाँ पर और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा सेवन पॉइंट फाइव के मैं आपको यहाँ पर एनरोल कर सकते हो आप हमारे पेड बैच में देर आर स्टूडेंट जो टेन थाउजेंड में ट्वेल्व थाउजेंड में एनरोल किए थे बट आप यहाँ पर साढ़े सात में भी एनरोल कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अपन यहाँ पर दैट इज पेड बैच में स्टिल स्ट्रक्चर्स के साथ तब तक ले टेक केयर एवरीवन बाय बाय